हेलो बच्चो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट द रोल ऑफ कैल्शियम कैल्शियम इन मसल का क्या रोल होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन में हमसे पूछा गया ए इन एक्सपोजिंग एनर्जी फॉर कॉन्ट्रेक्शन मसल रिलेक्स डी इट फॉर्म ऑफिन मॉलिक थिक फिलामेंट इन साइड फाइबर हमें बताना इनमें से क्या रोल होता है कैल्शियम का जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये हम कैल्शियम के रोल को डिस्कस करेंगे कैल्शियम का रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल के कॉन्ट्रैक्शन में क्या रोल है तो सबसे पहले तो सीधी सी बात आपने सुना होगा कि कैल्शियम जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है मसल्स की मूवमेंट के लिए मसल्स के मूवमेंट के लिए अब ये क्यों जरूरी होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैल्शियम के होते आय प्लस इनको बोला जाता है कैल्शियम के जो आय होते हैं ये जाकर के बाइंड कर जाते हैं ट्रोपोमायोसिन से ट्रोपोमायोसिन जो कि एक प्रोटीन होता है इससे जैसे ये बाइंड कर जाते हैं तो जो मायोसिन होता है ये मायोसिन एक्टिन ये सब कहा प्रेजेंट होते हैं सैक्रोमियर होते हैं ये सैक्रोमियर के अंदर प्रेजेंट होते हैं मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोसिन का जो हेड होता है ये हो जाता है फ्री क्योंकि इसको हेड को ब्लॉक करके रखता है ट्रोपोमायोसिन। मायोसिन का हेड हो जा जाता है फ्री। फ्री जैसे इसका हेड होता है, है बाइंड कर जाता एक्टिन से एक्टिन से बाइंड कर जाता है इसका हेड जैसे ये एक्टिन से बाइंड कर जाता है तो इनके स्लाइड मूवमेंट की वजह से स्लाइड मूवमेंट की वजह से होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस इसी वजह से होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस तो हमें पता चल रहा है मेन फंक्शन जो होता है कैल्शियम का वो क्या होता है कि ये बाइंड कर जाता है प्रोटीन से रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन है उससे बाइंड कर जाता है इसकी वजह से क्या होता है जो मायोसिन का हेड होता है वो फ्री हो जाता है एंड वो जाकर के एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट यहाँ पर होती है एक्टिन के पास बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है फॉर मायोसिन उससे जाकर के मायोसिन बाइंड कर जाता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन होता है तो यहाँ पर जो राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए इट्स बाइंडिंग To a uh, regulatory protein causes the protein to move, exposing actin binding sites to the myosin heads. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.